जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे जब वक्त बहुत बुरा चल रहा हो, यानी कि जब हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, आपका वक्त बदलने का नाम ही नहीं ले रहा हो, आपका कोई भी कार्य सुधर नहीं रहा हो, आपका कोई कार्य बन नहीं रहा हो, कार्यों में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आ रही हो, तो मात्र एक मुट्ठी मूंग कैसे करेगी कमाल? क्या करना है? आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ बुरे से बुरे वक्त की काट कैसे करें। जब बहुत बुरा वक्त चल रहा है, हताश हो गए हैं, रिश्ते आपकी पकड़ में नहीं है, या आप आर्थिक रूप से अक्षम हो गए हैं, व्यवसाय चल नहीं रहा है, दिमाग में डिप्रेशन है, परेशानी है, जिससे देखो उससे आपके संबंध खराब हो रहे हो, पैसे की वजह से या कि शारीरिक क्षमता की वजह से, किसी भी वजह से, जब इस तरह से जीवन से हताश और निराश और परेशान हो जाए, आपको ऐसा लगता हो कि हमारा समय कभी नहीं बदलेगा, तब आप इस कार्य को कर लेना, समय निश्चित बदलेगा। अक्सर इस तरह के जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इस तरह के लक्षण बुध ग्रह से संबंधित होते हैं। जब आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, बुध ग्रह के स्वामी है गणपति महाराज, तो गणपति महाराज सारे विघ्नों को हरने वाले हैं, साथ ही साथ गणपति महाराज हर मंगल कार्य का प्रारंभ करने वाले हैं। सर्वप्रथम गणपति मनाइए, सारे कार्य सिद्ध होंगे, कहा जाता है ना, तो गणपति जी को मना लीजिए। करना क्या होगा, आप प्रत्येक बुधवार को या हर दिन ही आप भगवान श्री गणपति की, सबके घर में मूर्ति प्रतिमा तस्वीर होती है, पूजा करनी शुरू करिए, तुरवा घास चढ़ानी शुरू करिए, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करिए, उन्हें सिंदूर चढ़ाइए। गणपति महाराज को जो सिंदूर चढ़ाता है या सिंदूर से उनके साथ खेलता है, कहते हैं ना सिंदूर खेला होता है, तो गणपति महाराज उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस कार्य को तो आप करने प्रारंभ करिए, चाहे आपके ऊपर परेशानी हो या आपके बच्चों के जीवन में रुकावटें हो, तो ये कार्य करना प्रारंभ करिए। इसके अलावा एक और कार्य आपको बता देती हूँ चमत्कारी, आप प्रतिदिन मंगलवार को एक मुट्ठी में जितनी आए उतनी बहुत है, साबुत हरी मूंग आप 1-2 किलो लाकर अपने घर में रखिए, तो हर दिन आप एक मुट्ठी मूंग जो है पहले दिन मंगलवार को भिगो दीजिए, बुधवार को प्रातःकाल अगर आपको पक्षी मिलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी है पक्षियों की, अगर आपको पक्षी मिलते हैं तो वो जो भीगी हुई एक मुट्ठी मूंग, साबुत मूंग है, वो आप पक्षियों को डाल दीजिए, छत पर डालिए, बालकनी में डालिए, किसी पेड़ के पास डालिए, कोई स्थान तलाशिए जहाँ बहुत सारे पक्षी हो, कबूतर हो, चाहे चिड़िया हो या जो भी कोई पक्षी, आप एक मुट्ठी उन्हें डालना प्रारंभ करिए। अगर 1% में आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं ऐसी जगह रहते हैं हमको कोई पक्षी नहीं मिलेंगे, तो आप उसे गाय को खिला सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ना तो पक्षी मिलेंगे ना तो गाय मिलेगी हम जहाँ रहते हैं, तो किसी भी विशाल पेड़, घने पेड़ की जड़ में वो एक मुट्ठी मूंग जो है भीगे हुए आप डाल दीजिए, उसको गाय खाए, चाहे उसको कीड़े मकोड़े खाएं, चाहे उसको पक्षी खाएं, आप एक दिन डालोगे, 2 दिन डालोगे, तो वहां स्वतः पक्षी आने लगेंगे, सबको मालूम होगा यहाँ हमें दाना मिलता है। तो इसलिए एक मुट्ठी भीगी हुई मूंग की दाल कम से कम 21 दिन तो आप इसको करिए, और अगर आपको जीवन में चमत्कार दिखाई दे, आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाए, आपके जीवन से परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाए, तो भले ही आप इसको बढ़ा लेना, जितने मर्जी दिन आप बढ़ा सकते हो, अपने जीवन में शामिल कर लो, कुछ नहीं जाएगा, इतना 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 आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, सारे जो रुके हुए कार्य हैं उनके विघ्न और बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ एक कार्य और करना है कि कहीं भी किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर, किसी पेड़ के, उसके सड़क के किनारे आपको एक नीम का पौधा लगाना है, और नीम का पौधा लगाना है उसकी सुरक्षा भी करनी है, एक ट्री गार्ड आता है, नीम का पौधा रोपिए और वो एक ट्री गार्ड आता है, आप वो लाकर वो भी लगा दीजिए, जिससे कि उसको कोई नुकसान ना हो, क्षति ना हो। उसमें प्रतिदिन आप जल दीजिए, 2 बूंद दूध डालिए, और उसके बाद वो दूध और जल मिश्रित, यानी कि आपने एक लोटी में जल लिया, थोड़ा सा उसमें 1 ही चम्मच डालो दूध डाला, और आप नीम के पेड़ को सींचना शुरू करिए, लगाइए और साथ में सींचिए, अब आप देखेंगे आपके जीवन का कमाल क्या होगा। जितने भी कार्य रुके पड़े हैं,
पूरा वक्त आपका कटना शुरू हो जाएगा, कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, विघ्न दूर हो जाएंगे, मांगलिक कार्य घर में प्रारंभ हो जाएंगे, कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाएंगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, आपके और लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपका बुध ग्रह उच्च का होगा। भगवान गणपति को इस प्रकार मनाइए। नीम का पौधा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। और वो नीम का पौधा, सपोज जेंट्स हैं और उन्होंने नीम का पौधा लगा दिया, वो बहुत परेशान है, लेकिन उनके पास अगर उसे सींचने का समय नहीं, तो एक लोटे में जल और थोड़ा एक चम्मच दूध डाल के आप हाथ लगा के रख दीजिए, आपकी पत्नी, आपके बच्चे कोई भी नीम को सींच देंगे। मूंग जो आपने भिगोई है, अगर आपको लगता है कि सुबह सुबह नहीं है समय या जो भी कुछ है, तो आप केवल उस पर हाथ लगाइए और आपके घर का परिवार का कोई भी सदस्य पक्षियों को नीर डाल सकता है। लगता है कहीं दूर गाय है और कहीं दूर ही पक्षी हैं, उस रास्ते पे हम नहीं जा रहे, परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है, तो वो डाल दें। कहने का मतलब यह है कि पूरे परिवार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पूरे परिवार के लोगों का भाग्य उदय हो जाएगा, पूरे परिवार के लोगों का बुरा वक्त समाप्त हो जाएगा, पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो इस तरह से एक मुट्ठी हरे मूंग का उपाय कीजिएगा, साथ के साथ एक नीम का पौधा लगाइएगा। जब किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकले, जब भी चाहे नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं या कोई डील करने जाएं या आप अपने व्यवसाय के स्थल पर ही जाएं, मतलब जहां भी कहीं जाने के लिए स्पेशल खास काम के लिए आप निकले, तो मुंह मीठा करके निकलिए। ये बहुत छोटे छोटे से काम है, बहुत सुनने में आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन इनके जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट इनके बहुत अद्भुत रिजल्ट है, बहुत अद्भुत रिजल्ट है, बहुत चमत्कारी रिजल्ट है, 100 out of 100% रिजल्ट है। कर देखिए, आपका कोई भी बुरा समय ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ईश्वर की पूजा करें, आराधना करें, श्रद्धा करें, भक्ति से, विश्वास से, तो आपका वो समय कटे ना, जरूर कटेगा, इस कार्य को करके देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप भी विश्वास से करिए, निश्चित काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, ओम गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।